Hello, students. Welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. Hello, students. Congratulations to you all. After passing your previous class, now you are in your new class. And today we are going to read a new subject that is. जीके जीके means जनरल नॉलेज हेलो दोस्तों आप सभी लोग अपनी पिछली क्लास पास करके अब नई क्लास में आ गए हैं इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं जीके जीके मीन्स सामान्य Kian. Right, students, so this is our GK textbook news. Right, and our today's topic is chapter 1st, Our India, and the name of this chapter is Symbols of Our Nation. Right, students in this chapter we are going to learn about the national symbols of our country each and every country have their own national symbols right these symbols are the identification or identity of that nation यह हमारी सामान्य ज्ञान की पुस्तक न्यूज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर फर्स्ट और उसका नाम है अव इंडिया और इसका जो चैप्टर का नाम है वो है सिंबल्स ऑफ आवर नेशन सिंबल्स मीन्स होता है निशान या चिन्ह आवर मतलब हमारे और नेशन नेशन बोलते हैं राष्ट्र को या देश को राइट right, हमारे देश के चिन्ह अब ये क्या होते हैं चिन्ह किसी भी सिंबल्स जो होते हैं वो किसी भी देश की आइडेंटिटी यानी कि पहचान होते हैं इन सिंबल्स से उस देश की पहचान होती है ऐसे ही हमारे देश के कौन कौन से सिंबल्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर अव इंडिया सिंबल्स ऑफ आर नेशन और इसको करने से पहले हम नीचे देखेंगे हमें दिया है एक हिंट बॉक्स हिंट बने होता है संकेत या कोई सुराग राइट right? यह है हिंट बॉक्स इसमें हमें कुछ नाम दिए हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे और हमें सही जगह पर यह नेम फिल करने हैं राइट right? और एक कॉलम है वो है फैक्ट टू रिमेंबर फैक्ट माने होता है जानकारी टू रिमेंबर रिमेंबर मीन्स याद करने के लिए याद रखने के लिए राइट right? फैक्ट माने तथ्य या जानकारी वो तथ्य या वो जानकारी जो आपको याद रखनी चाहिए तो एक कॉलम ये रहेगा और एक कॉलम ये होगा राइट right? तो चलिए पढ़ते हैं हमारा चैप्टर सिंबल ऑफ आर नेशन जैसा कि मैंने बताया आपको सिंबल्स मीन्स होता है चिन्ह या निशान आवर आपको मालूम है इसको पढ़ते हैं आर इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है आर आर मतलब हमारे नेशन मतलब राष्ट्र या देश अब तो कहता है नेशनल सिंबल्स आर द आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन नेशनल सिंबल जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं आर मतलब इज एक के लिए आता है और आर बहुत सारे जब होते हैं तो हम आर का यूज करते हैं तो नेशनल सिंबल्स जो हैं वो ज्यादा हैं तो उसने लिख दिया आर एस पी लगा ना देखो सिंबल मतलब निशान और सिंबल्स मतलब जब एक से ज्यादा प्लूरल हो गए है ना तो अब क्या है नेशनल मतलब राष्ट्रीय जो चिन्ह है हमारे उन वो, वो जो होते हैं वो पहचान आइडेंटिटी माने होता है पहचान ऑफ अ नेशन एक राष्ट्र की पहचान होते हैं राइट एक देश की पहचान होते हैं क्या उसके राष्ट्रीय चिन्ह कहता फिल इन द ब्लैंक्स फिल माने भरिए इन द ब्लैंक्स मतलब कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं खाली जगह हैं उन्हें भरनी है आपने विद द हेल्प ऑफ हिंट बॉक्स किसकी मदद से हिंट बॉक्स की मदद से तो हिंट बॉक्स कहां है हमने भी नीचे देखा था हिंट बॉक्स की मदद में कुछ से हमें ये फिल करने हैं राइट और वो क्या कहता है टू तो फाइंड आउट द नेशनल सिम्बल्स ऑफ इंडिया हेल्प बॉक्स से हमें या हिंट बॉक्स से हमें मदद मिलेगी पहचानने के लिए या ढूंढने में नेशनल सिंबल्स राष्ट्रीय चिन्ह भारत के भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को ढूंढने में हमें नीचे हिंट बॉक्स जो है वो मदद करेगा अब देखिए हिंट बॉक्स में क्या क्या दिया है वो कहता है मैंगो मैंगो क्या है आम राइट पिककॉक आपको मालूम है मोर बैनियन मतलब बरगद का पेड़ उसके बाद ट्राई कलर ट्राई कलर मीन्स होता है हमारे जो झंडा है उसे हम ट्राई कलर बोलते हैं ट्राई कलर का वैसे मतलब हुआ तीन रंग लोटस यानी कमल और टाइगर टाइगर आपको मालूम है ठीक है ना तो अब आइए फटाफट देखते हैं क्या है सबसे पहला पॉइंट कहता है द डैश इज अवर नेशनल फ्लैग ये देखो हमारा नेशनल फ्लैग है हमारा राष्ट्रीय झंडा है ये किसको क्या बोलते हैं हम वैल्यू इसमें कितने रंग हैं वन टू एंड थ्री तो ये तीन रंग हैं यानी ट्राई कलर्स तो हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसे हम ट्राई कलर भी बोलते हैं यानी तिरंगा ट्राई कलर मीन्स तिरंगा तो यहाँ क्या आएगा ट्राई कलर अब वो ट्राई कलर क्या है डी डी पे लिखा है ट्राई कलर तो फर्स्ट में फिलिंदा ब्लैंक में आएगा डी ट्राई कलर राइट अब नेक्स्ट है सेकेंड इज आर नेशनल फ्लावर ये हमारा फ्लावर है ये देखो कौन सा है हमारा आवर मतलब हमारा नेशनल मतलब राष्ट्रीय फ्लावर मतलब फूल हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है नेशनल फ्लावर कौन सा है हमारा वेरी गुड वो है लोटस क्या नाम है उसका लोटस देखिए कमल का फूल कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल है राइट right? अब नेक्स्ट कहता है इज आर नेशनल फ्रूट वो हमारा नेशनल फ्रूट है ये क्या दिख रहा है आपको फ्रूट मैंने फल ये कौन सा फल है वेरी गुड मैंगो तो इसका मतलब मैंगो जो है हमारा राष्ट्रीय फल है राइट right? अब वो कहता है आर नेशनल ट्री इज हमारा राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है अब ये कौन सा पेड़ है बैनियन बैनियन यानी बरगद का पेड़ राइट right? तो आवर नेशनल ट्री इज बैनियन ट्री अब वो कहता है आर नेशनल एनिमल हमारा जो राष्ट्रीय पशु तो ये कौन सा पशु है टाइगर तो हमारा नेशनल पशु कौन सा है वो है टाइगर और लास्ट में कहता है वो हमारे को सिक्स पॉइंट है देखो ये काई की पिक्चर बनी है वो कहता है पिकॉक की वेरी गुड तो पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है पिकॉक राइट स्टूडेंट्स तो अब हमने देखा एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारा द ट्राई कलर इज आवर नेशनल फ्लैग हमारे नेशनल फ्लैग को ट्राई कलर बोलते हैं नेशनल फ्लावर जो है हमारे वो है लोटस नेशनल फ्रूट जो है मैंगो नेशनल ट्री है बैनियन ट्री नेशनल एनिमल है टाइगर और नेशनल बर्ड है पिककॉक राइट right. अब वो लास्ट में कहता है देखो फैक्ट टू रिमेंबर वो तथ्य जो हमें याद रखने चाहिए वो क्या है आवर नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है फ्लैग माने हमें पता है झंडा उसका नाम है ट्राई कलर तिरंगा और ईच कलर जो हर एक कलर है, हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस हैज मतलब होता है इट्स मतलब खुद का ओन स्वयं का सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस अपना महत्व सिग्निफिकेंस माने होता है महत्व अपना एक इंपॉर्टेंस अपना एक महत्व हर एक कलर का अपना अपना एक महत्व है यानी कि हमारे देश में के झंडे में तीन कलर हैं सबसे पहला कलर है जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं सेफ्रन नेक्स्ट है वाइट और थर्ड है ग्रीन जो सेफरन कलर है उसका क्या मतलब है व्हाइट कलर का क्या मतलब है और ग्रीन कलर का क्या मतलब है वो आपको यहां पर बता रहा है जो हमारा झंडा है उसमें जो सेफरन कलर है उसका वो है करेज का करेज मतलब साहस हिम्मत का ठीक है वाइट व्हाइट कलर है पीस पीस माने शांति का शांति का कलर है वाइट और ग्रीन कलर है प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी माने होता है खुशहाली या समृद्धि prosperity ध्यान से देखेंगे सर क्या प्रनाउंस कर रहे हैं और आपने भी उसे ही वैसे ही प्रनाउंस करना है ये प्रॉस्पेरिटी है प्रॉस्पेरिटी मींस होता है समृद्धि या खुशहाली राइट right? अब हमें ये समझ में आया कि सैफरन कलर किसका सिग्निफिकेंस uh, है किसका वेरी गुड करेज का uh, white, peace, santika, और ऐसे व्हाइट पीस शांति का और ग्रीन कलर जो है प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली या समृद्धि का राइट right, स्टूडेंट्स तो ये था आपका पहला चैप्टर नए सब्जेक्ट जीके का वो था आवर इंडिया सिंबल्स ऑफ आवर नेशन हमारा देश भारत के अलग अलग राष्ट्रीय चिन्ह मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा अब इसमें हमारे को क्या याद करने वाली चीज़ें हैं हम इसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे राइट और कुछ हम क्वेश्चन बनाएंगे इसमें अपने राइट और उन क्वेश्चन के आंसर हम लोग लिखेंगे नोटबुक में और बुक में हम ये फिर ब्लैंक्स करेंगे राइट अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जैसे कि नेम या राइट द नेम ऑफ आर नेशनल ट्री तो नेशनल ट्री का नाम लिखिए तो कौन सा है नेशनल ट्री हमारा वेरी गुड बैनियन ट्री या हमने आपसे पूछा विच फ्रूट इज आर नेशनल फ्रूट कौन सा फ्रूट ऐसा है जो हमारा राष्ट्रीय फल है तो वो कौन सा फ्रूट है वेरी गुड मैंगो राइट स्टूडेंट्स तो ये था हमारा आज का टॉपिक वो है आवर इंडिया टेक केयर गुड है आई होप यू एंजॉयड आर वीडियो थैंक्स फॉर बींग विद अस